अब रैप करते हैं भाई साहब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय टू चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो गए, बिल्कुल सेफ हो गए, मस्त हो गए। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमारी दोनों खुद की और बेहतरीन सी जो दो बाइक है ना, अलग अलग सेगमेंट की, एक है 160 सीसी की, दूसरी है 310 या 300 सीसी की, मानो यार 310 भी नहीं, 300 सीसी की। तो आज अपनी ही दोनों ही बाइकों का कंपैरिजन करेंगे, वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि अपाचे में वाइब्रेशन कैसा है और पल्सर N160 में वाइब्रेशन कैसा है। N160 के ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये जो है हमारी RTR, इसके ऊपर भी अलग से है। लेकिन मज़ा तो असली तब आएगा ना जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा एक साथ, तब अच्छे से आइडिया लगेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, अपना वाइब्रेशन टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और वाइब्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको हैंडल को घुमा लें भाई, हम बाहर निकल जाएँ। तो वाइब्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं, आप सभी को पता है। एक ग्लास लेंगे प्लास्टिक के, उसमें पानी डालेंगे, सीट पे रखेंगे, टैंक पे रखेंगे, और पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ना नया तरीका, यहाँ पे रख के। अब देखो मुझे लग रहा है ये तरीका कॉपी ना होने लगे बस, तो यहाँ पे रख के भी करेंगे जिससे एकदम अच्छे से आइडिया लग पाएगा, क्योंकि ये सरफेस थोड़ा सा खुरदुरा भी है और ऐसे स्ट्रेट भी है, तो मज़ा तो आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जल्दी एंड तक क्या देखना, अनकट करेंगे भाई, हमें अनकट वीडियो बनाने की आदत है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है ना तो वीडियो अनकट बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अनकट वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी पल्सर N160 को, और अनकट वीडियो तो बोर मत हो जाना, इतनी मेहनत लगती है अनकट बनाने में, नॉलेज भी होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि एक आध चीज़ें ऊपर नीचे बोल दो तो वो भी लगा दो। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, सबसे पहला कंपैरिजन यहीं पे होगा। अब देखो एकदम मिनिमल सा ग्लास हिल रहा है, लेकिन हिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको थोड़ा अच्छे से रखते हैं। अब देखिए आप लोग ऊपर से भी देख लीजिए पानी कैसे हिल रहा है। अब इसको मैं हल्का हल्का रेव करना शुरू करता हूँ। भाई साहब ये तो गिर गया। और इसमें देखो एक चीज़ है, मैंने ये लगवाया हुआ थोड़ा सा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग, बाकी नॉर्मल रखते। सॉरी एक सेकेंड, अब देखना तो ज़्यादा रैप पे गिरा, लेकिन अगर केवल बिना रैप के मैं इतना ही पानी रख दूँ तो आप लोग देखो उतना कुछ नहीं हिला, ग्लास भी नहीं, पानी भी नहीं हिला। और अब इसको करते हैं थोड़ा सा बंद। अब चलते हैं अपनी नई नवेली बाइक के पास, RTR के पास, इस पे देखते हैं क्या सीन है। और ईटा लगा के रखा है, सीधा किया इसको, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना ऐसे ऐसे हिल रहा है, पानी भी देखिए ऊपर से, तो ये कहीं ना कहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैंने कुछ नहीं बता रहा कि ज़्यादा हिल रहा है कि नहीं। अब इसको हल्का सा रेव करते हैं, इसको भी सेट से सेट कर लेते, थोड़ा हिल तो रहा है विदाउट रेव, ये हिल रहा है देखो। अब रेव करते हैं भाई साहब, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने देख लिया ना, आप लोग को आइडिया लग गया होगा, थोड़ा सा पानी गिर गया, बट स्टॉक है हमारे पास पानी का, और वीडियो हमेशा फ़न के साथ बनती है, तो मज़ा आता है बनाने में भी और देखने में भी। तो फिर से हमने भर दिया पानी, एकदम साफ़ सुथरा पानी है, ठीक है, यहाँ का देख लिया आप लोगों ने। अब इसको रखते हैं सीट पे। सीट है ना थोड़ी सी अभी भी नाम मात्र बाइक टेढ़ी है, मुझे लग रहा, वैसे उतनी भी नहीं है कि दिक्कत हो, ठीक है। एक तो ये ग्लास लो क्वालिटी का है यार, अगली बार अच्छी क्वालिटी का ग्लास लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखूँ, जहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसको वहीं पे रखना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है यार, यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल स्टार्ट करते हैं इसको। अब आप लोग नोटिस करो कितना वाइब्रेशन है इस समय, नॉर्मल पे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पानी हिल रहा है। ऊपर से दिखा दो एक बार पानी, आप लोग ऊपर से देख लो, पानी हिल तो रहा है भाई, नो डाउट। अब इसको हल्का सा रेव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, इतना तो चलता है मुझे लगता है, सीट पे जो राइडर वाली है उस पर इतना चलता है। अब आते हैं N160 पे, इसके सीट पे करते हैं, टंकी पे लास्ट में करेंगे,
टंकी थोड़ा खतरनाक सीन है टंकी का, हैंडल सीधा कर लूँ भाई मैं। हाँ भाई एक चीज है, पता ही नहीं चल रहा है, बिना रेफ के ना ग्लास हल्की सी हिल रही, ना पानी में कुछ हो रहा है, मतलब जरा सा भी कुछ नहीं पता चल रहा है। और अब इसको करते हैं रेफ, इसको मैं ज्यादा रेफ कर रहा हूँ, आरपीएम दिखा दो और दिखा दो, मतलब फुल रैप करने पे भी कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम नाम मात्र भी कुछ नहीं हुआ। अब इसी के साथ इसी को पीछे करके देखते हैं, पीछे वाली सीट में मैंने थोड़ा सा कवर लगाया है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। चलो करते हैं, और अब देखना पहले विदाउट रैप के देख लो, ठीक है, बिना रैप के देख लो, और अब मैं रैप करता हूँ। हो रहा आरपीएम भी देख लो आप लोग, कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई वाइब्रेशन तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि यार कुछ वैसे वाइब्रेशन है जिसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। अब आया इसमें समय टेस्ट करने का, ये रखा हमने, ये तो ऐसे ऐसे हो रही है, ग्लास लहरा रही है, बलखा रही है, देखो भाई कुछ ज़्यादा ही हिल रही है यार, बिना रैप की ये हाल है। तो आइडिया तो लग रहा होगा आप लोग को, है वाइब्रेशन तो है। अब रैप करते हैं, जबकि इसको मैं ज़्यादा रैप भी नहीं कर रहा हूँ, नाच के गई, यहाँ पर रखें, तो भाई वाइब्रेशन तो है बाइक में, नो डाउट। अब थोड़ा सा टैंक वाला शुरू करते हैं, टैंक पे रख के देखते हैं कि क्या सीन है। थोड़ा सा इसका टैंक ना खतरनाक तरीके का है, तो थोड़ा सा रखने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पे रखा है हमने, बिना रैप के देखो ग्लास कैसे हिल रही है, यार ये तो खुद ही गिरी जा रही। इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, हिल रही है ग्लास, हिल रही है, नो डाउट हिल रही है। अब इसको रैप करते हैं, हल्का हल्का करूँगा भाई, ज़्यादा नहीं करूँगा। तो भाई आप लोग को आइडिया तो लग चुका होगा वाइब्रेशन है। अब इसके टैंक पे रखते हैं हम लोग, टंकी पे रखते हैं, और फिर देखते हैं क्या सीन है इसका भी। देखो एकदम सटीक नहीं बैठ रही, लेकिन ठीक है। अब नॉर्मल पे तो भाई इसमें कुछ वाइब्रेशन है ही नहीं, ऐसा लगता एकदम नाम मात्र। और जिन लोगों को इसके वाइब्रेशन से भी प्रॉब्लम हो ना, तो भाई स्कूटी ले लो आप, इलेक्ट्रिक वाली बाइक ले लो, यार थोड़ा तो फील होना चाहिए ना, हल्का सा तो वाइब्रेशन होना चाहिए ना, मतलब पता चले आप कोई मतलब पेट्रोल या डीजल, मतलब जो मतलब डीजल कार हो, पेट्रोल कार हो, पेट्रोल बाइक हो, तो थोड़ा सा फील होना चाहिए। ठीक है अब रैप करते हैं, आरपीएम देखो यार, कुछ भी हो ही नहीं रहा, मतलब एकदम जैसे ग्लास को रखा था वैसे ही ग्लास रखी हुई है। तो आप खुद जज कर लो कि वाइब्रेशन कितना है दोनों में, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आप लोगों से भाई ज़्यादा अच्छे से कौन जज कर पाएगा, तो प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा आप जज कर लो, और बताओ मुझे भी कि आपको क्या लगता है कि आरटीआर में ज़्यादा ही कुछ वाइब्रेशन है या नहीं। क्योंकि भाई देखो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा फोकस सब चीज़ पे रहता है, ग्लास भी संभालनी है, देखना भी है, फिर दूसरी बनानी, तो समझ सकते हो। और वीडियो अनकट थी भाई, मेन चीज़ वीडियो अनकट थी। जो लोग कहते हैं वीडियो मतलब टाइम लगता है, ये वो देख लो, अनकट वीडियो बनाई है मैंने, एकदम जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो गई है। सो आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो, अब मज़ा भी आया होगा वीडियो देख के, यार तो आप सभी को पता है इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, वीडियो को दबा के शेयर करो, N160 वाले भी शेयर करो, TVS वाले भी शेयर करो, और दोनों के फैन बॉय शेयर करो। और मैं तो कहता हूँ भाई किसी भी कंपनी का फैन बॉय मत रहो, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बोलो, जो चीज़ बेकार उसको बेकार बोलो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।